तो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, आपका सेकंड आइट्रेशन का बिट सेट का रिजल्ट आ गया था 4 सितंबर को। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि अगर हमको हमारा अलॉटमेंट फ्रीज करना है तो कैसे करना है, या फिर हमारे को हमारे अलॉटमेंट में नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर हमको पार्ट लेना है तो किस तरीके से लेना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या आगे अब करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट, अब आपको सेकंड आइट्रेशन के बाद क्या करना है। तो ये मेरे एक स्टूडेंट जो भी ऑफर लेटर जो उसको मिला है, जो भी उसकी स्क्रीन अपीयर हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है, जैसे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिला है हैदराबाद कैंपस में। मेरा ही एक स्टूडेंट है पेड काउंसलिंग प्रोग्राम का। तो यहाँ पे पेमेंट क्या आपके पास रिसीव हो गया, फी रिसीव्ड इन द एडमिशन ऑफिस, मतलब इनका पेमेंट रिसीव हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन तो यहाँ पे आ रहा है, क्लिक हियर टू फ्रीज द अलॉटमेंट। इसका मतलब जो आपको मिला है उससे आप खुश हैं और इसी कैंपस में इसी ब्रांच में आप अपना स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसको आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आपका अलॉटमेंट फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखा हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन फ्रीज अलॉटमेंट बटन, ठीक है, योर करंट अलॉटमेंट विल बी फ्रोजन एंड यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ फर्दर स्लाइड अप प्रोसेस। मतलब आप नेक्स्ट राउंड के अंदर नहीं जा सकते। इफ यू डू नॉट फ्रीज द करंट अलॉटमेंट यू विल बी अ पार्ट ऑफ फर्दर स्लाइड अप प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है फर्दर स्लाइडिंग अप के लिए। आप चाहते हैं कि आपको आपकी जो प्रेफरेंस मिली है उससे अपर प्रेफरेंसेस मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, थर्ड आइट्रेशन राउंड का अब बैठ करके वेट करना है। जब थर्ड आइट्रेशन राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा आप कहां तक स्लाइड अप हुए। और आपको अगर मान लो आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल गई तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी ब्रांच फ्रीज कर दे दिए। हर बच्चे को यही रिसीव हुआ है, जैसे एक ये रहा, एक हमारे दूसरा जो मेरा स्टूडेंट है उसको उसको भी सेम तरीके का रिसीव हुआ है। इसकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आपको दिख सकती है, लेकिन इसको भी एमएससी केमिस्ट्री मिली है गोवा कैंपस के अंदर, और इसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये अलॉटमेंट फ्रीज कर सकता है या फिर अगर इसको भी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर जाना है तो इसको जो है फर्दर स्लाइड अप प्रोसेस के लिए थर्ड आइट्रेशन का ही अब वेट करना पड़ेगा। और अगर ये इसमें खुश है तो यहाँ पे क्लिक करके इस अलॉटमेंट को फ्रीज कर देगा, तो ये ब्रांच और ये कैंपस इसको क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, राइट। ये ब्रांच और ये कैंपस इसको क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए तो कुछ भी मत करिए, थर्ड हाइड्रेशन का बैठ करके आपको वेट करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते, अगर आप जो है फर्दर साइड अप में जाना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, थर्ड हाइड्रेशन का वेट करिए और आप खुश हैं तो इसी को फ्रीज कर दीजिए। साथ के साथ यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, क्लिक हियर टू प्रिंट द इंस्ट्रक्शन लेटर जिसके अंदर आपको रिफंड पॉलिसीज और सारी चीजें मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड द मेडिकल परफॉर्मा, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और इसको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिल अप करवा लीजिए, उसकी सील इसके ऊपर लगेगी। जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कब तक अपलोड करने हैं, 25 सितंबर तक जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तब आपके पास ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है मेडिकल परफॉर्मा। और उसका लिंक जैसे ही अपडेट हो जाएगा 15 या 16 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है लिंक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का अपडेट हो जाएगा, तो जैसे ही आपको अपडेट हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। साथ के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।